वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग डेटा को हैंडल मतलब जो गिवन डेटा होता है, डेटा क्या होता है हमारे पास, कोई भी नंबर होते हैं ठीक है, फैक्ट होते हैं, उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है और उन फैक्ट्स और नंबर्स को अरेंज मतलब एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना है, तो वो क्या होगा डेटा हैंडलिंग ठीक है। अब टुडे वी आर डिस्कस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जो गिवन हमारे पास डेटा मतलब गिवन नंबर होगा, वन वैल्यू फाइंड करना, सेंट्रल वैल्यू उसकी फाइंड करना। अब देखो उसके सेंट्रल जो वैल्यू होगी, अब उसको एग्जाम्पल से आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके जो मेथड होते हैं सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने की, वो 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है अर्थमेटिक मीन, सेकेंड है मीडियन एंड थर्ड इज मोड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक मीन सिंपल लॉजिक होता है अर्थमेटिक मीन का, कि एवरेज फाइंड करना, गिवन नंबर्स होंगे हमारे पास उसकी एवरेज फाइंड करना। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं इसमें, अर्थमेटिक मीन, इसे हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर लाइन, इसे रीड करोगे आप एक्स बार, ये होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो गिवन नंबर्स होंगे हमारे पास, उन गिवन नंबर्स को हम सम करेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, जितने नंबर्स होंगे काउंटिंग में उसका हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, लेट ऑब्जर्वेशंस X1, X2, X3, X4, X5 and so on, XN। ठीक है, एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है X1, X2, X3, X4, X5 and so on, XN। तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन X बार इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका सम करेंगे, इट मीन्स X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस एंड सो ऑन XN, और डिवाइड में क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास n, इट मीन्स 10 भी हो सकती है, तो वैल्यू क्या होगी 10, अगर हमारे पास काउंटिंग में 10 आ रहा है तो 10 का डिवाइड करेंगे, काउंटिंग में 8 आ रहा है 8 का डिवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो जो जैसे एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इसका अर्थमेटिक मीन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और आगे अभी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन अभी डिस्कस किया था, उसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म में पहले अरेंज करना है इसे, 4, 6, 7 जो गिवन नंबर है हमारे पास, और फर्स्ट का आंसर विच नंबर इज द हाईएस्ट ये बताना है, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे, उसमें फर्स्ट कॉलम हमारे पास मार्क्स, क्योंकि ये गिवन मार्क्स है हमारे पास, उसके बाद टेली मार्क्स, सेकंड कॉलम आता है टेली मार्क्स, थर्ड कॉलम आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। थ्री कॉलम आपको बनाने टेबल्स के अंदर। अब जो गिवन नंबर है उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देखिए नंबर
नंबर जो मिनिमम नंबर है हमारे पास 1 और जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो है वो है 9। तो देखिए 1 2 भी है गिवन नंबर, 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9 ये गिवन नंबर हमारे जो हमारे पास गिवन थे नंबर, इसके अकॉर्डिंग हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको राइट कर लिया टेबलेट में। जैसे हमने डेटा हैंडलिंग में कहा था कि जो गिवन डेटा फैक्ट होते हैं नंबर्स, उनको वेल मैनर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। टेबुलर फॉर्म एक वेल मैनर फॉर्म होती है, उसके अंदर मार्क्स टेली मार्क्स फ्रिक्वेंसी, गिवन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, कौन कौन से नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टेली मार्क्स देखिए, इसको काउंटिंग करके हम बनाएंगे इसमें। अब देखिए 4, तो ये 4 पर 1, 6 6 पर 1, 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 9 6 9 6। इसके बाद 5 8। अब देखिए 4 कंप्लीट होते ही 5 का एक पेयर बना लेंगे 5 और ये 8 क्रॉस लाइन। 4 कंप्लीट होते ही क्रॉस लाइन में 5 का पेयर कंप्लीट होता है, 8 हो गया हमारे पास 8 तक काउंट के लिए। 4 6 4 6 एंड 7 टेली मार्क्स। अब देखिए 1 फ्रिक्वेंसीज की यहाँ पर टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके लिखेंगे 1 2 1 3 ये 5 4 2 1 एंड 1। अब जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, उनके हम आंसर देंगे। विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हमारे पास हाईएस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो कौन सा नंबर है हमारे पास हाईएस्ट, जो मैक्सिमम जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वही हमारे पास। और देखिए हाईएस्ट नंबर में हमारे पास ये देखना है कि कौन सा नंबर इसमें बिग है। तो 9 हाईएस्ट होता है, तो आंसर इज 9। विच नंबर इज द हाईएस्ट, फर्स्ट का आंसर इज, आंसर यहाँ राइट करेंगे फर्स्ट द नंबर 9 नंबर 9 इज हाईएस्ट। सेकंड का आंसर विच नंबर इज द लोएस्ट, कौन सा नंबर लोएस्ट है 1, द नंबर 1 द नंबर 1 इज लोएस्ट। थर्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था डेटा की रेंज मैक्सिमम नंबर इट मीन्स हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर हम माइनस कर देंगे तो वो रेंज होगी हमारे पास। तो रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ द डेटा मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है 9 और लोएस्ट नंबर क्या है 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या है 8। तो रेंज क्या होगी इसकी 8। फोर्थ पार्ट फाइंड द अरिथमेटिक मीन, जो गिवन डेटा है उसका हमें क्या फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इसे हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sum of the observation divided by total number of the observation. अब देखिए total number of the observation, ये हमें frequency का total करना होगा। 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7 plus 5 12, 12 plus 4 16, 16 plus 2 18, 19 20। तो हमारे पास इसका sum क्या है, हमारे पास 20। It means n की जो value find हुई है हमारे पास small n की
वो हमारे पास क्या है 20। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन एक्स पावर इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। गिवन नंबर है हमारे पास उनका हम सम करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 = 2 + 6 + 5 = 196 + 584 + 6 + 7 जो गिवन नंबर्स थे हमारे पास उनका हमने सम किया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 20 का क्या कर देगी डिवाइड। अब देखिए अर्थमेटिक मीन एक्स बार सम करने पर क्या आएगा, इसका टोटल करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 100 और डिवाइड में क्या चल रहा है 20। 0 से 0 कैंसिल, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 5 10 तो 5। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आंसर आएगा अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज 5, दैट इज आंसर।